दिल्ली है तैयार, 7 को पहुंचेंगे विदेशों से मेहमान, खाने से लेकर होटल तक है A1। पहले आएंगे बाइडेन, फिर ब्रिटेन के भारतवंशी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे हिंदुस्तान। भारत मंडपम में मशहूर नेताओं की महफिल सजेगी, देश दुनिया की चर्चा के बाद कई अहम फैसलों पर राय बनेगी। दिल्ली की सड़कें भले रहेंगी सुनसान, लेकिन दिल्ली पूरी दुनिया में बनेगा हेडलाइन। जन्माष्टमी मनाकर जनता G20 पर बनाएगी पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़, में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे प्रगति मैदान, G20 के लिए पूरा सज धज कर जो है वो तैयार होने वाला है। सभी 19 देश के जो है यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष पहुँचेंगे, उसकी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, वसुधैव कुटुंबकम का जो है स्लोगन वो दिया हुआ है, और आप देखेंगे कि G20 को लेकर चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस तैनात है, और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर सेल्फी ले रहे हैं। और सामने देखिए प्रवेश द्वार है, ये है मुख्य प्रवेश द्वार। G20 की बैठक जो है 8, 9, 10 को होने वाली है, और तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। कैसा लग रहा है यहां आके? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? पीहू नाम है। सेल्फी ले ली? निशा जी, यहाँ पर 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुँच रहे, G20 की बैठक है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से कामकाज देख रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है वहाँ पे आके। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। कैसा लग रहा है संजय जी? G20 बहुत डेकोरेशन है और बहुत बढ़िया, इंडिया की अपने देश की बहुत बड़ी एक पहचान बन रही है। पहचान बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम होता है आपका? हरीश मंदिरत्ता। क्या कहेंगे हरीश जी? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया कि G20 देख के, सड़कें बढ़िया बन गई दिल्ली की। दिल्ली इंडिया का नाम हो गया है मोदी जी की वजह से, देश का आज बहुत बड़ा नाम हो रहा है। पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे अब नीचे झुक चुके हैं इंडिया के सामने। एक चंद्रयान जो उन्होंने करा था वो भी हिट हो गया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि G20 उपलब्धि, लाइटें वाइटें बहुत बड़ी, और 20 देश जो भारत के साथ 20 देश अब जो खड़े हो जाएंगे, तो चाइना जैसे कि देश की अब हिम्मत नहीं होगी कि भारत से आगे टक्कर ले सके। आंखों में आंखें मिलाकर जो है भारत जो अब देखेगा, अब आंखों में आंखें मिला के देख नहीं सकते, बल्कि भारत देख सकता है, वो नहीं देख सकता लेकिन भारत देख सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के भी चेहरे पर जो है वो खुशी। हमारे साथ आनंद जी है, क्या कहिएगा जिस तरीके से G20 का यहाँ पर बैठक हो रहा है, पूरे विश्व का नजर जो है वो भारत के ऊपर है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी इंडिया सुपर पावर बनने ही जा रहा है, कुछ सालों में बन जाएगा, जैसा अभी एक और सर ने बताया चाइना है, तो अब चाइना की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं अपना एक प्रेजेंस दिखाया है कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, और उसका अब जीता जागता नमूना देख सकते हैं कितने अच्छे से दिल्ली सज धज के तैयार हो गई है। हमारे डिफेंस वाले भी एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं, पुलिस वाले बहुत सारे हैं, तो बहुत अच्छा है। एक पीएम मोदी जो हमारे हैं, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड फोरम पे कि हाँ भाई इंडिया भी कुछ मैटर करता है, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो देखिए जिस तरीके से भारत के लोग भी अब मोदी के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, तो आप देख सकते हो स्कूटी ना होते हुए भी लोग अपना पूरा कानून का पालन कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि मोदी जी जो ये कर रहे हैं ये एक बार हिट हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, और नेक्स्ट बार जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो भारत नंबर एक शक्ति बन के रहेगा। बहुत जल्दी देखिए इंडिया के लोगों की जो है उम्मीदें जो है पीएम मोदी से वो अधिक है, लोग चाह रहे हैं कि भारत भी हमारा अव्वल वन जो है वो बन जाए, और तैयारियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो है दिल्ली जो है वो सज धज कर तैयार है। 8, 9, 10 जो है पूरी तरीके से जो दिल्ली है वो बंद रहेगा। बाकी हिमांशु से हम जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं, हिमांशु जी क्या कुछ जानकारी लेकर आए हैं, हिमांशु तैयारी क्या कुछ है? देखिए तैयारी को लेकर बहुत ही मतलब हाईटेक तैयारी इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। बता दें कि 30 से अधिक होटलों का इंतजाम है, जिसमें से सिर्फ दिल्ली में 23 होटल का इंतजाम है, और NCR क्षेत्र में 9 होटलों का इंतजाम है, जिसमें से बड़ी बड़ी होटलें हैं, द ललित है, ITC मौर्य है, और भी बहुत सारी होटलें हैं जो कि व्यवस्था किया गया है। जो बाइडेन जो है वो रुक रहे हैं आपका ITC मौर्य में, तो ये सारी कुछ व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। कौन कौन से देश के लिए क्या कुछ खास है?
देखिए यहाँ पे जो 19 देशों में मुख्यतः अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, फ्रांस, जापान, यहाँ से लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ के प्रमुख लोग पहुँचेंगे और जो विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पे बात किया जाएगा। मुख्य तौर पर क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है? देखिए मुख्य रूप से जो जानकारी के मुताबिक मुद्दा है वो है डिजिटल परिवर्तन पे है, जलवायु एनवायरमेंट को लेके है, आपका जो जीडीपी है उसको लेके बात है, और सारे देश मिलके एक फ्यूचर के लिए कैसे काम करें, कैसे अपने आप को और सुपर पावर बनाएं, मेनली उस पर फोकस किया गया है। आप स्लोगन भी देखें G20 का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब एक अर्थ है एक परिवार और एक ही मतलब फ्यूचर है, एक ही भविष्य को लेके यहाँ पे मुख्यतः बात की जाएगी। मेन उद्देश्य यही है सबको एक होके, एकजुट होके एक मुद्दे को लेके बात करनी है। मतलब आप देख सकते हैं कि सभी देशों को जो है एकजुट होकर किस तरीके से आगे डेवलप करें उसके विषय पर चर्चा होने वाली है। बाकी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ का चकाचौंध जो है ये आपको बता रहा है कि तैयारी क्या कुछ है। और क्या विशेष जानकारी है मंसूर? देखिए जानकारी तो बहुत है, जो बाइडन जो है यहाँ से 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में रहने वाले हैं, बहुत सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, दलित मोदी में फ्रांस के राष्ट्रपति लिखने वाले हैं, तो ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी हुई है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 3 दिन दिल्ली लॉकडाउन टाइप की स्थिति में रहने वाली है, 3 दिन इस क्षेत्र की सारी ऑफिसें वगैरह सारे प्राइवेट गवर्नमेंट सारी ऑफिसें बंद रहेगी, 8 तारीख से सारा एरिया रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, प्रतिबंध रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये फोटो, ये 7 तारीख तक के लिए है, 8 तारीख से फुल्ली तरीके से दिल्ली एक तरह से बंद रहेगा क्योंकि सभी जो है मेहमान के स्वागत में लग जाएंगे और सिक्योरिटी हाई होनी होगी। देखिए सिक्योरिटी जो है वो हाई रहने वाली है, बाकी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो पर्यटक है आए हैं वो भी यहाँ पर आके सेल्फी ले रहे हैं और G20 के इस साज सज्जे को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।